नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और मैं खेलने जा रहा हूँ WCC3 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। अब दिक्कत क्या होगी, पहला मैच में हार चुका था लास्ट बॉल पे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में वीडियो पिन किया है, वहां पे देख सकते हो। दिक्कत ये कि मैंने दूसरा मैच ऑटो प्ले किया, उसके अंदर भी इंडिया हार गया, वो भी अफगानिस्तान से। तो पता नहीं किस लॉजिक से ये काम कर रहा है गेम। बट अब हमें भिड़ना है पाकिस्तान से, जो हमारा लास्ट राइवल है। इसके सामने वही 5 ओवर्स का मैच होने वाला है। लेट्स सी कौन जीतता है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि कैमरा भी ऑन है आज। भाई मैं हारना नहीं चाहता। नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है फैन मोमेंट। भाई इस मैच का तो बेसब्री से इंतजार है। सर मैं भी यहाँ खड़ा होऊंगा 2 सितंबर को, नहीं 2 सितंबर को नहीं, अक्टूबर में। और हाँ, यहीं पे खड़ा होऊंगा शायद, क्योंकि अगर मैच देखने जाएंगे तो यहीं पे होगा। ये इंटरैक्टिव ऑप्शन है, या तो मुझे सेल्फी लेनी। अरे 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 ये क्या, अरे हाई फाई कर दिया यार, सेल्फी भी ले रहा है। अच्छा सेल्फी ले रहा है भाई, ओपी। ये इंटरैक्टिव कट सीन्स हैं जिसके बारे में WCC3 के डेवलपर्स ने कहा था, वो लड़की को नहीं दिया मैंने सेल्फी तो ये हमारे कट सीन्स है जिसके अंदर आप जो रिएक्शन दोगे उस हिसाब से एनिमेशन आएंगे। ये होना चाहिए भाई, करियर मोड में ही सही, बट होना चाहिए था ये सब। और फाइनली अब हम लोग आ गए दिल्ली के मैदान में। मुझे मालूम है रियल में अहमदाबाद में, बट अहमदाबाद का ट्रेलर तो देख लिया हमने, ये दिल्ली का ट्रेलर है। और फिर आ गए दोनों कप्तान, बीच में रखी है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 2023 में इंडिया उठाने वाला है कुछ महीनों बाद। रोहित शर्मा लिफ्टिंग द ट्रॉफी इन अहमदाबाद। मैं भी खींच रहा हूँ फोटो शायद, अगर टिकट मिली तो। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन दोपहर से टिकट मिलने चालू होने वाले हैं, हाँ लगभग उसी दिन से, नॉन इंडिया मैचेस के। मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था सेकंड चैनल पे, तो आप देख सकते हो। बाकी टॉस रिजल्ट, इंडिया हारता हुआ इलेक्टेड टू बैट। हमारी बॉलिंग आई है, मैंने इस सिनेरियो में कभी नहीं खेला रनचेज वाले में, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है भाई, स्पेशली वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान। लेट्स सी। तो ये है टीम पाकिस्तान की पूरी जिन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। रिजवान और बाबर आजम आने वाले हैं। और ये है इंडिया की टीम। मैंने WCC3 की टीम में कुछ चेंज नहीं किया, जो डिफॉल्ट उन्होंने हमको दी थी खेलने के लिए वही मैं खेल रहा हूँ। एम्पायर्स बदल चुके हैं, एंट्री सीन तो वही है जैसा पहले था। बाकी स्टेडियम आप देख सकते हो थोड़ा सा इनहेंस किया गया, और आप फील कर सकते हो आप देख के, थोड़े से कलर्स जो हैं वो एकदम स्क्रीन से मेरे बाहर आ रहे हैं मेरे टैबलेट से। और किसी ने पूछा तो कौन सा टैबलेट यूज़ करते हो, भाई ये MI Tab 5 है। बाबर आजम को भी आपने देखा। गेंदबाजी बुमराह, शमी, जडेजा, यादव, कुमार, ठीक है ऑप्शन 6 हैं, देखते हैं कितने यूज होते हैं। हम सब एक्साइटेड है भाई, 2 सितंबर को भी भिड़ंत होगी, तो देखते हैं वहां पे भी कौन जीतता है। बाकी जसप्रीत बुमराह हो गए हैं फिट एंड फाइन, और अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देते हैं। कोशिश की थी परफेक्ट की, नहीं हो पाई है, रेगुलर बॉल बन गया ये स्लो पेस के साथ अंदर की तरफ मिडल से आता हुआ। और ये ब्रॉडकास्ट कैमरा, ये मेरे को पिछले वीडियो में नहीं देखने को मिला, कैमरा अंदर चला जाता है बैट्समैन की तरफ। फाइनली परफेक्ट गेंद आ गई, बट भाई हमने फाइनल गेंद परफेक्ट गेंदों पे छक्के लगते हुए भी देखे हैं, इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा, बट हाँ मैंने अपने तरीके से परफेक्ट काम किया है। कैमरा एंगल है तो सॉलिड ना, एकदम जूम इन हो जाता है। अरे भाई सामने ध्यान दे, एक रन नहीं देना पाकिस्तान को आज राइवल का यही तो गेम होता है भाई, एक रन नहीं देना। जसप्रीत बुमराह को पता नहीं स्लोअर गेंदों से क्या प्यार हो गया, या तो इंजरी के बाद शायद गेंदें अपने आप ही स्लो हो जा रही हैं। फ्लैट शॉट, सबको पता है यहाँ पे गेंद उल्टी, यहाँ फिजिक्स उल्टा है WCC3 में, गेंदें ऐसे जाती है फिर जाती रहती है। नीचे आने का मैंने गिरते हुए देखी नहीं, पिछले मैच में गिरते हुए नहीं देखी, इसमें भी वही हुआ। एज अ बॉलर ऑफिशियली आप इससे बेहतर गेंद नहीं डाल सकते, परफेक्ट इन स्विंगर। क्या गैप शॉट, ऑफ स्टंप दे दी, एक्स्ट्रा चौका निकाल गए। चिंता दिखती हुई, कुछ सजेशन लेकर आए हैं फील्डर साहब। मेरे 3 फील्डर डीप हैं, तो मैं गेंद लेग स्टंप पे कर रहा हूँ। चलेगा। सिंगल से मुझे कोई अफसोस नहीं, सिंगल थ्रो मारियो। अरे यार डायरेक्ट थ्रो लग तो रही है, लेकिन रन आउट मुश्किल है। एक रन इस गेम में भी कंपलसरी है अगर बैट से निकला तो। जडेजा आ गए हैं यहाँ पर गेम में। अरे यार देखो ऊंची जा रही है। हाँ थोड़ा बहुत नीचे आई, बट में चेंज, साइड में चेंज, इस बार कुछ अलग प्लान से आए हम लोग। मोहम्मद रिजवान के बल्ले से भी अब एक 6 निकल चुका है, आज हमने तो लगाया ही लगाया था। कैच होना चाहिए यार, ये गेंद मिस्टेक साबित हो सकती है। कहां कैच। अरे यार वन बाउंस, ये हमने लास्ट मैच में भी देखा था गिरते हुए कि वन बाउंस गिर रहा था फील्डर के पास, इसे कहते हैं सेंटर। मतलब परफेक्ट को भी परफेक्ट डाला है, अब पिट मत जाना है इस गेंद पे। 2 छक्कों के बाद थोड़ा सा कमबैक करते हुए, बट रन रेट तो कवर है इनका, 2 ओवर हुई नहीं है, 29 बना बैठे हैं 28।
क्विकर गेन ऑफ स्टंप पे दूर जितनी दूर हो सकती थी, लेग स्टंप हिट कर दिया, पकड़ लिया लेग स्टंप से चार रन। ये ओवर अगर पिट गया तो एक चीज मैं कहूंगा कि भाई तेज गेंदबाज इसमें अच्छी बॉलिंग करता है, मैंने लास्ट मैच में भी यही फील किया था। अब तो नीचे आ जा, पहली गेंद कैसा सिक्स जा रहा है स्टंप पे दे तो डर लगता है कि लेग स्टंप ना मार जाए। ये परफेक्ट गेंद रखी है, इसको भी उठा, कहां से चला यार, करंट रन रेट 17। अरे यार कैच अप, ओ वन, फिर एक कदम पीछे होता तो कैच होता, सामने पकड़ लिया शॉट। रिजवान 11 में 30, बाउंसर गेंद स्ट्रेट शॉट डॉट पर, 14 तो दे दिए तुमने। अब एक और एक गेंद बाकी है, लेकिन पाया मोहम्मद शमी को, मैं कह रहा था तेज गेंदबाज बेहतर है, अब प्रूव करना होगा। AI ना 44 रन भी नहीं कर पाता। अरे ये अबे कैसे जा रहा है सिक्स, नौ बॉल थी, ऑलमोस्ट नौ बॉल थी, बच गई है, सेम यॉर्कर का लेंथ बट स्लोअर है। अरे यार ये बीट तो तभी तो इनसेन डिफिकल्टी है, कैच एक कदम पहले गिरेगी, पता था मुझे, हट दो निकाल दिया, रन आउट गया, ओ रिजवान गॉन, बट भाई अपना काम करके गए। अरे एम्पायर ये क्या हुआ, दिक्कत पता है क्या, ये गेंद या तो चार के पार चली जाए लेकिन स्लो मोशन में, इसलिए वक्त लेके जाएगी अच्छा खासा। क्या होगा अगर WCC3 में बग आ जाए, मैं वही देख रहा हूँ अभी। और ये गेंद गई चार के पार, अंपायर भाई कुछ तो रिसेट करो, चार रन दे दिया, ओ भाई ये क्या है, वीडियो गेम सब मेरे साथ चीटिंग कर रही है, सोचो। ये देखो ये रिप्ले देख लो आप, क्या रिप्ले में क्या दिखा रहा है, पता नहीं क्या दिखाएगा इसमें तो। प्लम आउट था, रिजवान को खुद ही आउट होकर चला जाना चाहिए, रिजवान को खुद ही आउट होकर चला जाना चाहिए, ये तो रियल वाला रिजवान शायद आउट होकर चला जाता, ये वाला चिटर है। और इसमें क्या दिखा रहे हैं, अरे इसमें वही दिखा रहे हैं चार, ऐसी कौन सी गेंद डालूं भाई जहां ये लोग आउट होंगे। रिजवान 15 में 41 डॉट, ओ झगड़ गए, चुप रहने को कह रहा है कि तूने अभी तो आउट था, तू चिटिंग कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं भाई, बस इतना ही। ऐसे मामूद को बुलाओ, गौतम गंभीर को, वो बताएंगे कैसे लड़ाई की जाती है। 16-41 दूर 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 दूर, अरे ये भी नजदीक पहुंच गए और उठा दिया, अब ये कहां, और कैच हो रहा है, ये क्या नौटंकी है, मैं तो ट्यूटोरियल वहां, मैंने कैच वाला एक बार भी हुआ नहीं था मौका, तो गेम बता रहा है कि ऐसे कैच किया जाता है, बट फाइनली विकेट मिलता हुआ इंडिया को जिसकी हमें तलाश थी। 17-41 भाई ये अपना काम करके गए रिजवान। और एक चीज नोटिस की आपने, वाइड नहीं है, हाँ नया बैट्समैन स्ट्राइक पे आया, स्ट्राइक रोटेट हुई थी फिर भी सेम रखने की इच्छा। और भाई अब आप देख लो बॉलिंग का परफॉर्मेंस किसका बेहतर है, ये आखिरी गेम भी पता लगेगा। पिट गए 16 रन, सेम ही हो गया, ऑब्वियसली बात है भुवनेश्वर को ही दूंगा मैं, हार्दिक का ऑप्शन था, मेरे को एक्चुअली यादव या जडेजा में से किसी एक को नहीं देनी थी। एक बात और, ये मेरा फर्स्ट एवर मैच है इनसेन डिफिकल्टी में जिसमें मेरी फर्स्ट बॉलिंग है, मैंने आज से पहले इसमें नहीं किया तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, गलत मैच चुन लिया। 69 रन, यॉर्कर परफेक्ट, यॉर्कर, ये कैच होना चाहिए, गिरी है 30 yard में, क्या कैच आउट, तो कॉट लिखा था, मैं कॉट आउट कह रहा था, दूसरा झटका, मजा आ गया भाई विकेट लेके, बट हाँ रन बहुत दे दिए, पता नहीं कैसे करेंगे। बाबर आजम 7 में 22, भाई मैं भी ऐसी बैटिंग करके जाऊंगा तो मैं तो खुश हूँ अपने आप से। एक बात है यार, 2 no balls मेरी बच गई, ये भी मेरी 9 balls थी ऑलमोस्ट, कैच, एक और झटका पाकिस्तान को, भाई गेंदबाजी कौन कर रहा है, भरोसा कुमार, इतना आसान नहीं है इनको हिट करना, और सेलिब्रेशन भी तगड़ा वाला होगा अब यहाँ पे। ये खराब पारी, अहमद की खराब पारी, भुवनेश्वर कुमार ऑन द हैट्रिक, भरोसा कुमार इज ऑन द हैट्रिक, ये बड़ा शॉट यार फ्लैट में, योर एफर्ट, 6 मार गया, यहाँ थोड़े से अंतर से मिस कर गए हम लोग, बाउंसर गेंद फ्लैट मार दिया है यार, बैटिंग तो तगड़ी मारी, जो मारा 6 मारा इस ओवर में, कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी गेंद परफेक्ट नहीं है तो 6 पक्का है। वही हुआ 87 रन, भाई मैं अभी कह रहा हूँ इम्पॉसिबल टारगेट है मेरे लिए, ये टारगेट मैं तभी चेंज कर सकता हूँ मेरे सारे शॉट परफेक्ट लगे तो अच्छे खासे, मैं 44 हाइएस्ट था मेरा, 45 हाइएस्ट है, मुझे उससे दुगना खेलना है, 18 रन रेट पहली गेंद से रहेगा। रोहित शर्मा और KL राहुल आ रहे हैं यहाँ पे, मैं बता दूँ रियल लाइफ के किसी प्लेयर के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। गेंदबाजी में अहमद आए हैं, ठीक है स्पिनर हैं, ओके इंतजार, यार लेट शॉट यार, तुम शॉट गुड तो दो यार, उनके रन बन गए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि मेरे रन क्यों नहीं बनते, गुड शॉट
चार जाना चाहिए था भाई, ये अच्छा शॉट था, कैमरा एंगल मस्त है, दो रन तीन भी आ जाता इतना ऊंचा थ्रो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सिक्स चाहिए। नाइस ट्राई, नाइस ट्राई, फोर 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 फोर, यस। फीलिंग आ रही है टेंशन वाली, मन तो कह रहा है थर्ड मैन हिट करने का, अरे यार गुड शॉट लगा नहीं, क्यों मैन का मूड, नौ बॉल मिली है, गुड शॉट बीट, कितनी अच्छी बैटिंग करूं यार मैं, अर्ली है, फ्री हिट है, गुड शॉट, क्या यार ये गुड शॉट है तुम्हारा, तीन 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 दौड़ाना है, लास्ट टाइम दौड़ाया तो तीन दौड़ा, इजी आया था, दौड़ा दे दौड़ा दे, स्पिन लगा दे स्पिन लगा दे स्पिन लगा दे, पहुंचा दिया, हाँ एक ऑप्शन दे दे गेंद, अरे यार कहां, हैरिस रॉफ अब सामने खेलना पड़ेगा थोड़ा, बट टाइमिंग देखते हैं, टू अर्ली दो आएगा, इसलिए कहते हैं 12-13 पॉसिबल है इस गेम में, उससे ऊपर का थोड़ा टफ बन जाता है, दो रन ही है तीन नहीं, लेट खेलेंगे, अभी भी नाइस ट्राई, नाइस ट्राई है, लेकिन ये चार वाला शॉट है, रोक लिया पता नहीं कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते करते पकड़ रहा है भाई, इस बार तो लेट खेलना है, इस बार तो लेट खेलना है, नो बॉल भी है, चार मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ये बात, पर अभी भी 19 चाहिए मुझे ओवर में, हिट परफेक्ट शॉट, सिक्स रन फ्रॉम रोहित शर्मा, सारे रन शर्मा नहीं मारे हैं, ओके गुड, एकदम सेंटर टाइमिंग है, सिक्स एक, ओ यस, बस तुम बैट पे परफेक्ट हिट करते, अरे क्यों नहीं यार, क्यों टच नहीं हो रही गेंद, आपको बात बताऊं अगर सिक्स चला जाता ना पिछली गेंद पे या फोर, मेरे को लीड मिल जाती, पता है कैच का बॉल क्यों, क्यों फील्डर लाइन में है, हर बार क्यों नहीं बोल सकता मैं, बट बहुत बड़ा झटका, 15.5 का रन रेट, 13-29 काम करके गए थोड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा और तेज खेलने की जरूरत, सामने खेलने का मन है, टाइमिंग लेट का है, नाइस ट्राई, फोर रन्स, क्या मारा है भाई फुल लेंथ पे राहुल ने, दिक्कत बस ये कि दिखाता है बट लगती नहीं है गेंद, यही तो नाटक है, स्क्वायर ऑफ पॉइंट खाली है, बट ये भाई साहब बैट पे नहीं लगने देते गेंद, पता नहीं क्या है भैया, नहीं कोई और शॉट ऐड कर दो, मैं तो चुन नहीं रहा शॉट, तो तुम ही चुन रहे हो, अपने शॉट चुन के अपने ही शॉट को गलत कर रहे हो, ये क्या नौटंकी है भाई गेम में, आई हेट दिस थिंग, दो रन से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ से, जैसे कवर खाली है, अब देखते हैं कवर पे, थोड़ा सा अर्ली शॉट, लेट लगा अभी भी लेट लगा, यकीन नहीं हो रहा, मिडल पे रहा, ओवर निकाल दिया भाई, स्पिनर सामने वाली टीम में उल्टा है, हमारे में तेज गेंदबाज मुझे लगता है अच्छा करते हैं, सामने वाली टीम में स्पिनर अच्छा करते हैं, ये तो कन्फर्म ही है, खराब पारी राहुल भैया, पता नहीं वर्ल्ड कप में होंगे कि नहीं, बट इसमें तो फ्लॉप है, सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा अर्ली है गेंद, इनका भी गुड शॉट है, चार मिलना, अबे क्यों भाई, कम से कम ईमानदार तो रहो गेम के साथ, उनके गुड शॉट ऐसे जा रहे हैं उड़ते 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 उड़ते, हमारे गुड शॉट ऐसे आ रहे हैं हाथों में अपने आप ही, ऐसे ऑरेंज हो, क्या कहते हैं, स्पिनर टॉप स्पिन, गंदी विकेट भाई, गंदी विकेट, गंदे तरीके से आउट हुई है, वन लैग खड़ा हो गया उसमें, उसमें क्या भाई, शॉट है सूर्या का, ऐसा ही खेलता है, गॉन, अभी खान को हैट्रिक ना मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, हैट्रिक मिल गई, नहीं भाई कुछ अलग एनिमेशन नहीं है, 12 गेंदों में लगभग 4 गुना जितने रन, परफेक्ट शॉट यार, कैसे जीतेंगे भाई हम लोग, इम्पॉसिबल है, जो लगेंगे नहीं शॉट तो, या तो गेम में ऑप्शन ना हो, एक तरीका ये है कि गेम को हटाई दो, ऑप्शन ही हटा दो भाई, आप खुद ही शॉट डिसाइड कर रही है, गेम डिसाइड कर रही है, मैं नहीं कर रहा, आंख बंद करके मैं इससे अच्छा खेल सकता हूं, कोई मतलब नहीं चौके का भाई, अब ए चौका भी नहीं है, नौटंकी, 9 में 49, मैंने अपना रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया है, अब ये भाई साहब धोखा ना दें, 4-4-4-4, 8 में 7 में 39, घबरा गए भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, विराट है, डरना चाहिए अभी, मैं तो फिर भी मार दूंगा, मुझे गेम का डर है, गेम धोखा ना दे, 4-4 डीप देखेंगे हम लोग, बाउंड्री, फाइनल ओवर ड्रामा बिगिंस, और गेंदबाजी में स्पिनर आ रहा है या तेज गेंदबाज आ रहा है, शाह हवा में गेंद घुमा रहे हैं, अरे वाह 35 रन आखिरी ओवर में, स्टंप्स ओपन जितना हो सकता था,
पुअरली, मैं तो चाहता हूँ तीन आए क्योंकि कोहली को स्ट्राइक देना है, मैं दौड़ाने की कोशिश करूंगा बट कोहली आउट हो जाएंगे फिर, दो ही लिया। एक बैड न्यूज दे दूं, 5 में 33 ऑफिशियली ये पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, रनिंग में भी सब गड़बड़ी चल रहा है तुम्हारा, तीन 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 दौड़ा दे, नहीं दौड़ने देगा। 6 परफेक्ट बीट। अरे यार, या तो कंट्रोल दे दो मुझे शॉट सिलेक्शन के, मैं अलग कोई शॉट चुनूं, एक तो गैप में मारो, ऊपर से तुम्हारे शॉट्स कनेक्ट ही ना हो, खुद ही डिसाइड कर रही है गेम की क्या शॉट लेना, खुद ही बीट करा रही है, या तो ऑप्शन ही मत रखो शॉट का, कोई मतलब नहीं भाई सिक्स मारने का, ऐसे पटक दो। नहीं, अपनी स्क्रीन भाई, मेरी नहीं, चुपू मेरी खामोशियों का, बैट भी खामोश, गया मैच हाथ से भाई। एक चीज और क्लियर होगी इस गेम में, फर्स्ट बैटिंग लो भाई आप, नहीं तो आपकी वाट लगनी तय है। और लास्ट में एक सिक्स और लगाए पर 17 रनों की हार आई हमारे हिस्से में भाई, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, रन भी बहुत गंवाए हमने और शॉट्स लगे नहीं। मेरे ख्याल से पता है मेरे जो शॉट मिस हुए वो लग जाते ना, भले मैं आउट होता बट ये मैच तो मैं जीत जाता, 18 रन तो बना ही लेता। तो भाई यहाँ पे पाकिस्तान के हिस्से में जीत आई है प्रेडिक्शन के हिसाब से भाई, दैट्स इट फॉर नाउ। और हाँ, मेरा मन कह रहा है कि मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँ पूरी सीरीज की, पूरे वर्ल्ड कप की, बट क्या लगता है आपको करना चाहिए कि नहीं? 9 मैचेस होते हैं ये देख सकते हो आप, 9 लास्ट लीग मैचेस हैं, 9 मैचेस। अब देखना यह कि मैं अगर रीस्टार्ट करता हूँ इस मैच को, शायद शेड्यूल चेंज हो जाएगा, मतलब दिल्ली विल्ली है कि नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे, कि दिल्ली में पहला मैच ही है, तो जैसे इसमें अहमदाबाद में पाकिस्तान नहीं है, दिल्ली में मैच है, तो क्या सेकंड वर्ल्ड कप जब हम चालू करेंगे क्या उसमें सेम शेड्यूल रहेगा या बदल जाएगा, वो मुझे नहीं पता, वो समय बताएगा। बट इसका लाइव स्ट्रीम करना चाहिए कि नहीं वो कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में भाई। एक और बात, पाकिस्तानी कैंपेन पे, वर्ल्ड कप कैंपेन पे मैंने पनौती मार दी, जिनको पता है कि मेरे वीडियोज के रिजल्ट उल्टे आते हैं, तो भाई तैयार हो जाओ उल्टा देखने के लिए रियल लाइफ में। टेक केयर, बाय बाय, लाइक कर देना यार, रिजल्ट पे नहीं वीडियो पे, मेरी वीडियो पे, वीडियो के लिए। बाकी गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे यार, बाय बाय।